अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं क्विक इजी चिकन स्टेक डाइट वालों के लिए लेकर आई हूँ। ज्यादा मेरा खाना जो है आजकल डाइट वालों के लिए है, तो मैंने कहा आज मैं अपने लिए चिकन स्टेक बनाने जा रही थी, जो बहुत इजी है। अगर मैरिनेट की हो तो सिर्फ 15 मिनट लगते हैं आपको बनाने में। तो अभी हम इसकी मैरिनेशन करेंगे और फिर 2 घंटे के बाद मैं इसको कुक करूंगी, ठीक है। ये 450 ml कह रही हूँ, 450 जो है ग्राम चिकन है। और चिकन की ऑलवेज आप बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी जो डाइट है उसमें बीफ आपको सिर्फ 2 वीक्स में एक दफा अलाउड है। तो यस, अगर आपको जिस दिन एंजॉय करना आप बीफ की भी बना सकते हैं, मैं ज्यादातर चिकन की बनाती हूँ। तो मेरे पास सिर्फ बोनलेस की ये जो ब्रेस्ट पीस हैं ये थे, और क्योंकि इनमें बहुत कम फैट होता है मैं इसलिए ज्यादातर यही यूज करती हूँ। स्टेक बनती भी इन्हीं की सबसे अच्छी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपने बुचर से जो है प्लीज कटवा के ले आए, मेरे पास घर में यही था इसलिए मुझे खुद काटनी पड़ी है, क्योंकि मुझे पता है मैं इतनी अच्छी नहीं काट रही है। इसको अपने अच्छे तरीके से सारा गुस्सा अपना चिकन के ऊपर निकाल दें, अगर आपको किसी पे आज गुस्सा आया हुआ तो। ये आपको सैलेड के साथ, एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स के साथ ये बहुत मजे की बनती है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत क्विक बनती है। जी, हमारा चिकन ऑलमोस्ट आप देखें रेडी हो चुका है, ठीक है। मैं ना कुकिंग बहुत क्विक वाली करती हूँ, इतने ही तो स्पेशली, क्योंकि ज्यादा लंबे चौड़े काम नहीं करती हूँ, क्योंकि साथ साथ मियाँ का भी खाना बनाना होता है। और समटाइम बच्चे भी, मियाँ के खाने के साथ समटाइम बच्चे वो चीज नहीं खाते हैं, कोई ऐसी सब्जी बनी हो और ऐसी चीजें, तो इसलिए जब इतनी चीजें बनानी हो तो फिर मेरा दिल करता है कि बस क्विक क्विक वाली। इसलिए जो भी चीज होती है मेरी क्विक कुकिंग होती है। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एक बाउल, उसमें हम ये चिकन को ऐड करेंगे। साथ साथ क्लीनिंग भी, ठीक है। इसमें हम मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, जब आपने डाइट फूड रेडी करना है तो प्लीज 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 सॉस वगैरह कोई भी यूज करते हुए बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि हर चीज में कैलोरीज होती हैं। तो इसमें 100 ml में 57 कैलोरीज हैं, तो हम 100 ml यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इसमें ये 2 टेबल स्पून तक ऐड करेंगे, जो एटलीस्ट हमारा 1 टेबल स्पून जो है वो 10 ml बनता है, 5 to 8 बनता है। तो थोड़ी सी इसमें हम और ही ऐड कर लेते हैं। तो कुकिंग करते हुए भी प्लीज कैलोरीज का बहुत ध्यान रखा करें, लेमन जितना मर्जी आप ऐड कर लें। और इसमें हम 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनीगर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर, जब आप डाइट कर रहे हो तो प्लीज सॉल्ट जो है नॉर्मल यूज करने की बजाय ये जो है पिंक सॉल्ट यूज करें, ये बहुत अच्छा है। और वैसे भी अपने खानों में जो है आप ट्राई करें कि आप यही यूज करें, टेस्ट सेम है। शुरू में आपको अजीब लगता है टेस्ट, लेकिन बाद में आप जब यूज टू हो जाते हो तो कोई टेस्ट आपको बुरा नहीं लगता। और जैसे मैंने अपनी पिछली आपको वीडियो में बताया था कि मुझे आजकल ये सीड्स एंड स्पाइस बहुत पसंद है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली कुक होने के बाद। और ये नो एडेड सॉल्ट है, कुक होने के बाद इसका टेस्ट मुंह में एक थोड़ी सी हल्की सी क्रंच आती है, तो मुझे बहुत नाइस लगती है। तो ये आप कुकिंग के दौरान भी ऐड कर सकते हैं, एंड में। मैं इनको ज्यादा इस टाइम कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैंने ये ऐड किया है। ओके, और ये मैं लेकर आई थी स्टेक सीजनिंग, तो आप ये ऐड करनी है मैंने।
और थोड़ी थोड़ी पेरी पेरी, इसमें वैसे ऐड होती नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा सा आज ना स्वीट एंड स्पाइस चाहिए। ठीक, और ये उस दिन एक स्विंग सॉल्ट ले ये सॉस लेकर आई थी, स्वीट चिली सॉस। वैसे मैंने इसमें नॉर्मल चिली सॉस आप ऐड करते हैं, आज मैं ये वाली ट्राई कर रही हूँ क्योंकि ये इतनी स्वीट नहीं है। कल मैंने ट्राई की और किसी ने कहा डिस्गस्टिंग टेस्ट है। सच में डाइट करते हुए अगर सॉस खाने को मिल जाए मुझे तो बिल्कुल डिस्गस्टिंग नहीं लगा, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे तो लग रहा था यार सच्ची कुछ चीज मिली, इतना ड्राई ड्राई चिकन, वैसे चिकन मेरा इतना ड्राई नहीं होता है लेकिन सच में कुछ खाने को मिला। मैं गई थी इसकी नॉर्मल चिली सॉस ढूंढने, मुझे नहीं मिली और ऑनलाइन मुझे नजर आई है। अब देखें मैं कब तक वो बाय करती हूँ, तो मैंने कहा ये थोड़ी सी हम ऐड करते हैं क्योंकि इतनी स्वीट ये बिल्कुल नहीं है। जैसे नॉर्मल होता है ना स्वीट एंड चिली सॉस बहुत ज्यादा स्वीट होती है, तो ये बिल्कुल स्वीट नहीं है। तो मुझे ना स्टेक अपनी जो है वो थोड़ी ना सॉस के साथ चाहिए, तो इसलिए मैं अब इसमें ये ऐड कर रही हूँ, वरना मैं नॉर्मल वाली ऐड करती हूँ अगर मैं सिर्फ अपने मियाँ के लिए बनाऊँ। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके ये 2-3 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। आप इसको बैग में भी डाल के रख सकते हैं। अपना खाना आप लोग सुबह ही मैरिनेट कर लिया करें, वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मेरे यहाँ पे सुबह के 12 बज रहे हैं और मैं अभी इसको बनाऊंगी, 4 बजे तक ये अच्छा मैरिनेट हो जाएगा और 15 मिनट में खाना मेरा जो है वो रेडी हो जाएगा सैलेड के साथ। तो इसलिए 4 बजे तो बहुत भूख लगी होती है, तो अब जब मैं कुक करूंगी तो तब मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ये हमारी जो स्टेक्स हैं ये अच्छे तरीके से अब मैरिनेट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब इनको मैं कुक करने के लिए, देखिए मेरा ग्रिल पैन है ये मैंने यूज़ किया है। ये घर में थोड़ी सी वेजिटेबल्स पड़ी थी तो स्टेक के साथ साइड के लिए मैं इनको यूज़ करूँगी। मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने कहा वो फ्राइज़ खाएंगे, तो हम तो डाइट कर रहे हैं तो हम स्टेक के साथ जो है वो फ्राइज़ नहीं खा सकते, तो हम जो है वो वेजिटेबल्स खाएंगे। ये देखें मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया था, ये अपने ही पानी में पकी है और अब ये रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी रह गया ड्राई होने के लिए, मैंने सिर्फ 1 टीस्पून इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया था। आप स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको एक स्प्रे भी दिखा देती हूँ। इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया लेकिन ये जो है इस ये क्या कहते हैं वेजिटेरियन है, लाइक हलाल है, इसमें अल्कोहल यूज़ नहीं हुई है। फिर भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे यही एक मिला था, बाकी सब में तो अल्कोहल यूज़ होती है, तो ये वाला जो है मुझे ठीक लगा, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेडी होती हैं और मैं आपको इसके साथ मेरी वेजिटेबल्स रेडी होगी तो मैं आपको सर्व करके तो बता दूँगी। ये देखें हमारी चिकन स्टेक रेडी हो चुकी हैं और इसको आप अपनी जो वेजिटेबल्स आपने रेडी किए हैं आप उनके साथ भी सर्व कर सकते हैं, सैलड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छा खाएं और वेट लॉस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ट्राई करके। अल्लाह हाफिज़।